हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक फॉर चाइना नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से आप लोग इन्वेस्टर के अंदर फंड ऐड कर पाओगे विदाउट ऐप विदाउट न्यू वर्जन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन ऑन कर देना, और गाइस इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, आप लोग फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस का इन्वेस्टर फंड ऐड करने के लिए पहले आप लोग का इन्वेस्टर ओपन कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो क्रिएट न्यू उसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है ना। इस क्रिएट न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो। इसके बाद यहाँ पर एस्पेक्ट रेडियो आप लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग आपका वीडियो का मुताबिक एक सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 16:9 रख के नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इमेज वाला ऑप्शन जा करके एक ब्लैक बैकग्राउंड वाला इमेज ले लिया हूँ, ठीक है ना गाइस, आप लोगों को दिखाने के लिए एग्जाम्पल की तरफ से। उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखेंगे, उसके बाद हम किस तरह से आप लोग फॉन्ट को ऐड कर पाओगे, ठीक है ना गाइस, तो मैं दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, तो ऐड फॉन्ट का इन्वेस्टर लिख लेता हूँ, ऐड फॉन्ट का इन्वेस्टर। उसके बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो ए वाला आइकन देख रहे हो, ठीक है ना गाइस, ए वाला आइकन उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग देख लो हमारा पास इसी तरह फॉन्ट है, ठीक है ना गाइस। तो मैं यहाँ पर और भी कुछ फॉन्ट ऐड करूँगा, ठीक है ना गाइस। फॉन्ट को ऐड करने के लिए आप लोगों को जो होम वाला आइकन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस ऊपर में आप लोग देख लो कॉर्नर में, उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो फॉन्ट है काइनमास्टर के अंदर वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। बहुत सारा फंड आप लोगों को काइनमास्टर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों को इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, ठीक है ना गाइस, तभी आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट को मिल जाएगा जो कि इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना, और आसानी से आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पर आप लोग अलग से फॉन्ट ऐड करना चाहते हो डाउनलोड करके, तो मैं यहाँ पर वीडियो बना हुआ है, आप लोग लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आई बटन पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो आप लोग को देख सकते हो और ये वाला वीडियो में आप लोग आसानी से आप लोग फॉन्ट ऐड कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर देख लो जो सन सेरिफ ये वाला पार्ट में हूँ, फॉन्ट पार्ट में। तो गाइस इसी पार्ट में बहुत सारे ये जो फॉन्ट है वो आप लोग देख लो, बहुत सारे फॉन्ट आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग डाउनलोड कर लो। तो मैं यहाँ पर एक फॉन्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर देख लो ये वाला फॉन्ट हमारा इंस्टॉल है, ठीक है ना गाइस, हमारा डाउनलोड किया हुआ है ये वाला फॉन्ट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर और एक फॉन्ट का आप लोग दिखा देता हूँ। तो मैं वाला ए वाला फोन को लिया है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को इस कॉर्नर में डाउनलोडिंग ऑप्शन आएगा, ठीक है ना गाइस, आप लोग देख लो स्क्रीन पे इस कॉर्नर में डाउनलोडिंग, तो आप लोग देख लो डाउनलोड वाला, उसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसका साइज़ देख सकते हो 124.4 KB है, तो उसके ऊपर क्लिक कर दो डाउनलोड वाला आइकन के ऊपर। यहाँ पर डाउनलोड हो गया, ठीक है ना गाइस, इंस्टॉलिंग एसेट, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। आप लोग किसी की कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, आप लोग ऐड हो जाएगा काइनमास्टर में, सिर्फ आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आप लोग देख सकते हो बहुत सारे फॉन्ट है जो कि आप लोग डाउनलोड करके आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो हैंड राइटिंग वाला पार्ट में वहाँ पर आप लोग एक फॉन्ट डाउनलोड कर दिखा देता हूँ, ये वाला फॉन्ट को मैं सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, ठीक है ना गाइस, गाइस प्रोसेसिंग ले रहा है। उसके ऊपर आप देख सकते हो इसका जो वो साइज़ है 122.3 KB, और इसका जो डाउनलोड मैं यहाँ पर कर चुका हूँ, तो डाउनलोड हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो रहा है हैंडराइटिंग फॉन्ट। तो गाइस हमारा डाउनलोड हो चुका है हैंडराइटिंग फॉन्ट, ठीक है ना गाइस, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। तो गाइस इस तरह से आप लोग बहुत सारे फॉन्ट को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। आप लोग किसी की कोई भी ऐप्स की जरूरत नहीं है, कोई भी लेटेस्ट वर्जन की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी वर्जन है काइनमास्टर का, उसमें यहाँ पर आप लोग होम आइकन के जाकर ये वाला आप लोग फॉन्ट ऐड कर सकते हो, होम आइकन जाकर के, ठीक है ना गाइस। आप लोग देख लो यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट ऐड किया है जो, ठीक है ना गाइस, सनसरीफ, उसके बाद हैंड राइटिंग ए वाला फॉन्ट ऐड किया है सनसरीफ में, और जो हैंड राइटिंग में ए वाला फॉन्ट ऐड किया है। तो आप लोग ये वाला उनको सिलेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना गाइस। तो चलिए ए वाला का फॉन्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस आप लोग देख लो हमारा फॉन्ट सिलेक्ट हो चुका है, एंड यहाँ पर अप्लाई भी हो चुका है हमारा फॉन्ट, ठीक है ना गाइस, आप लोग देख सकते हो।
तो गाइज़ इसी तरह से आप लोग काइन मास्टर में आसानी से फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना गाइज़। तो हमारे चैनल पर गाइज इसी तरह के नए नए एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो मिलते हैं काइन मास्टर रिलेटेड, ठीक है ना गाइज। तो बहुत सारे वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलते रहेगा, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए और इसी वीडियो को लाइक कीजिए, आपको आप लोगों को फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। तो गाइज़ इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।